मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में डीजल का टैंकर पलटने से एक बड़ी दुर्घटना हो गई है। टैंकर पलटने की वजह से सड़क पर दूर दूर तक डीजल फैल गया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही टैंकर पलटने की सूचना ग्रामीणों को मिली, भारी संख्या में लोग बाल्टी और डब्बे लेकर डीजल लेने घटनास्थल पर पहुंच गए। किसी के हाथ में बाल्टी थी तो किसी के हाथ में डब्बे तो किसी के हाथ में कोई और बर्तन, सब तेजी से घटनास्थल की तरफ भागते जा रहे थे। देखते ही देखते घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि पुलिस को वहां बुलाकर लोगों को हटवाना पड़ा। बता दें कि सिंगरौली जिले के सीधी सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग 39 के साझार जंगल के समीप डीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। बताया गया कि ड्राइवर ने वहां से अपना नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। टैंकर पलटने की जैसे ही जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वह बाल्टी डिब्बे लेकर संग्रहण करने पहुंचने लगे। वे बिना देर के अपने घर से बाल्टी, डब्बा, जर्किन व बॉटल लेकर मौके पर पहुंच गए। उन्होंने यथासंभव डीजल का संग्रह किया, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को वहां से हटाया, लेकिन तब तक बहुत से ग्रामीण डीजल लेकर अपने घरों में जा चुके थे। ध्यान हो, करीब 2 महीने पहले सागर के सनौदा थाना क्षेत्र में भी ऐसे ही घटना देखने को मिली थी, जहां एक डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया था, जिसे लूटने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग बाल्टी और अन्य चीजें लेकर डीजल को लूटने पहुंच गए और अपने घर लेकर चले गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और टैंकर के पास से लोगों को हटाया था, जिसके बाद एक ट्रेन की मदद से टैंकर को सीधा कराया गया था।